दुनिया का लगभग हर कोना कोरोना वायरस से जूझ रहा है और इस वायरस को रोकने के लिए फिलहाल किसी भी देश के पास कारगर उपाय नहीं है। भारत में भी कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है। इसी बीच कुछ लोग आदेशों का पालन न करते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगभग हर देश ने लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन नियमों का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वायरस फैलता जा रहा है, जिससे दुखी होकर फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने लॉकडाउन नियमों की अनदेखी करने वालों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अपने देश के सुरक्षा बलों से कहा कि ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। इस वक्त सरकार के आदेशों का पालन करें, किसी भी स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर को नुकसान न पहुंचाएं, ये एक गंभीर अपराध होगा। इसलिए मैं पुलिस और सुरक्षा बलों को आदेश देता हूं कि जो लॉकडाउन में समस्या खड़ी करें उसे तुरंत गोली मार दी जाए। माय ऑर्डर्स आर सब पुलिस पति मिले तारे पति मंगा बरंगाई ना पक्का गिनुलो अत करोन ng ओकेशन ना लुमाबान। फिलीपींस में ये पहली बार नहीं है कि राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस से घबराकर लोगों को गोली मारने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2016 और 17 में राष्ट्रपति ने ड्रग डीलर्स को बिना किसी कानूनी कार्यवाही के ही गोली मारने के आदेश दिए थे। फिलीपींस में अब तक 2300 से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, जबकि 96 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।